बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, खुदा के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जहाँ जहाँ हो रहमतें उनकी वहीं परवाज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम माह अज़ीम में आपका मेज़बान रिजवान असलम कादरी आपको खैर मकदम कहता है। नाज़रीन किराम, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस खालिक़े कायनात ने जो हमें तोहफा अता किया है, नेमत अता की है, ये नेमत उज़्मा है। अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा नेमतें दी, अगर शुमार किया जाए तो शुमार से बाहर हैं। नाज़रीन किराम, देखिए जिस्म के आज़ा, इसके अलावा रिश्तेदार, माल दौलत, दुनिया मता, अल्लाह ने कितनी चीज़ें हमें दी। किसी चीज़ के बारे में नहीं फरमाया कि मैंने तुम पे एहसान किया है, लेकिन जब ज़ात मुस्तफ़ा को खालिक़े कायनात ने दुनिया में महबूस फरमाया तो फरमाया मैंने मोमिनों पे एहसान किया है। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह आज का जो प्रोग्राम है नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक कुर्बत मुस्तफ़ा के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी उसारी रहेगी। दरूद लिखता हूँ, पहम सलाम लिखता हूँ, दरूद लिखता हूँ, पहम सलाम लिखता हूँ, हर एक वली व पैगंबर का नाम लिखता हूँ। किसी भी कीमत पर ना दूंगा वो कलम जिस कलम से मोहम्मद का नाम लिखता हूँ, जिस कलम से मोहम्मद का नाम लिखता हूँ। और नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊँ, नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊँ, दिल ये कहता है कि पहले मैं मदीने जाऊँ। नाज़रीन किराम, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने का फ़ायदा क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत तो आपने सुन रखी होगी और बारहा तमाम आलम इस्लाम को याद भी होगी, नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब इसी के मिसाक में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक समात कीजिएगा। नाज़रीन किराम, करीम आकल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़े माशर का मैदान होगा, तमाम गुनाहगार जब गुनाहों के इवज में मैदान पर खड़े होंगे, गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे जिन्हें अल्लाह ने बसारत दी होगी जिस तरह अल्लाह के वली हैं, ये लोग जब मैदान पर जाएंगे तो जाके वहाँ पर करम की नज़र हो जाएगी इन पर, इन्हें अल्लाह ने निगाह अता की होगी। ये कहेंगे फरिश्तों मेरे अमाल ना तोलो, ठहरो, पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। नाज़रीन किराम, दूसरी समत जब देखा जाएगा, एक गुनाहगार बहुत ज़्यादा गुनाह होंगे, नेकियाँ बहुत कम होंगी, जब गुनाहों के इवज़ में दाएँ हाथ में नामे माल दे दिया जाएगा तो देखिए करम हो जाएगा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का सदका से। अब एक और गुनाहगार जिसके बाएँ हाथ में नामे माल दिया जाएगा, गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे, जहन्नुम में जाने का हुक्म हो जाएगा, जब वो गुनाहगार पसीना आना शुरू हो जाएगा, गुजरने लगेगा, पीछे से मैदान पे आकल अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, हजूर कहेंगे इसके अमाल दोबारा तोलो। अर्ज़ की जाएगी या रसूलल्लाह, इसके अमाल तोले हैं लेकिन गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, नेकियाँ बहुत कम हैं। सरकारे दो आलम कहेंगे मेरे सामने तोलो, फिर तोला जाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम, हदीस पाक में है, करीम आकल अलैहिस्सलाम अपने जुब्बा मुबारक से एक पर्ची निकाल के गुनाहों वाले पलड़े में रख, नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे। गुनाह अगर ज़मीनों आसमान से ज़्यादा होंगे, सात आसमानों ज़मीनों का वज़न कम हो जाएगा, नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, ये नस्बत मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम का कर्म होगा और मैदान पे खड़े हुए फरिश्ते हैरत से अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह, इसने कौन सी नेकी की है जो आपने इतना बड़ा इनाम दिया है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहेंगे इसने दुनिया में रह के मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेगा पढ़ा था। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह, इसने नमाज पढ़ी हमने लिख लिया, ज़कात दी हमने लिख लिया, रोज़ा रखा हमने नेकियां लिख लीं, दुरूद पाक जब जब पढ़ा हमने नेकियां लिख ली थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहेंगे जो नेकियां तुमने लिखी थी वो रब्बे ज़ुलजलाल की तरफ से अता थी, अब जो मैं ये कर्म फरमा रहा हूँ ये मेरी तरफ से कर्म नवाजी है। नाज़रीन किराम, नबी अलैहिस्सलाम की जो नस्बत है, करीम आकल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो कोशिश किया करें रोज़ा रख के रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक आपकी ज़ुबानों पे जारी उसारी रहे। करीम आकल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह नमाज बेहयाई बुरे कामों से बचाती है, इसी तरह एक हदीस पाक है, करीम आकल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा रोज़ा रख के सारा दिन ज़ुबान से ऐसी बातें करता रहे, चुगली, गीबत, गाली गलोच, किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू करता रहे जो रब्बे ज़ुलजलाल के कुर्ब से दूर कर देती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी
जितनी भी सारी इबादत है वो ज़ाया हो जाती है, भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं। नाज़रीन किराम, कुर्ब खुदा, ज़ात मुस्तफ़ा का कुर्ब हासिल हो जाना, इसका नाम रोज़ा है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, तमाम आलम इस्लाम को रोज़ा रख के ज़्यादा से ज़्यादा विरद खुदा, वजीफ़ा ज़ात मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे सेट पे पाकिस्तान के मरूफ सना खान कारी कुरान मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनके तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे मुराद मोहतरम साहबजादा मोहम्मद आज़म हरवी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ पाकिस्तान के एक अजीम सना खान मोहतरम मोहम्मद नबील कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ मेरे भाई मोहतरम कारी नमान हफीज़ साहेब, इंशाल्लाह कारी कुरान हैं। आप आज की इस ट्रांसमिशन का, आज के इस प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وقل جاء وزهق الباطل سبحان الله ما شاء الله سبحان الله إن الباطل كان زهوقا سبحان الله وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله وَلَا يَزِيدُ الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم سبحان الله
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम इंतहाई खूबसूरत लहजे के साथ कारी कुरान कुरान मजीद फुरकान मीर से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे। नाज़रीन किराम कुरान मजीद फुरकान हमीद ज़ालिकल किताबु लारी बफ़ी करीमा अकलिस्सलाम ने फरमाया खैर हुकुम मन तल्लामल कुरान वल्लमहू, तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। नाज़रीन किराम अभी हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद सुना, कलाम रहमान से कलाम इंसान की तरफ सरकार दो आलम की नात की तरफ चलने के लिए ये चार अशार। नाज़रीन किराम कुरान मजीद फुरकान हमीद अरबी लहजे में पढ़ा जाए, पानीपती लहजे में पढ़ा जाए, मिस्री लहजे में पढ़ा जाए, एक कैफियात होती हैं सुनने वालों पे। नाज़रीन किराम जब इमाम हुसैन ने खतीब नोक सिना ने कुरान मजीद फुरकान हमीद नेज़े की नोक पे पढ़ा तो मंजर कैसा था, उस वक़्त कैफियात कैसी थी, उस वक़्त माहौल की रंगत कैसी थी। नाज़रीन किराम तबीयत अगर करबला से मनूस हो जाए, तबीयत अगर करबला से मनूस हो जाए, तेरा सीना नजफ मक्का मदीना तूस हो जाए, नोके सना पे सुन ले अगर तू शबीर का लहजा, नोके सना पे सुन ले अगर तू शबीर का लहजा, खुदा देखा नहीं जाता मगर महसूस हो जाए, खुदा देखा नहीं जाता मगर महसूस हो जाए। आइए नाज़रीन किराम उसी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिनके नवासे का मैं जिक्र कर रहा था, उसी लजपाल की बारगाह में जिसके नूर की ये किरण करबला में जाए तो करबला अर्शे मुअल्ला बन जाता है, करबला मुअल्ला बन जाता है। नाज़रीन किराम पाकिस्तान के मारूफ सना खान जिन्हें खालिक कायनात ने बेपनाह इज्जतों से नवाजा, मोहतरम साहिबजादा मोहम्मद आज़म मोहरवी साहेब सरकारे दो आलम की बारगाह में लबकुशाई का शर्फ हासिल करते हैं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, 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 खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, ये पयाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, तेरा ही नाम आए मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए,
हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरे काम आए हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोजे से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोजे से, वो फिर कहेंगे के वापिस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे के वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गुलाम आए वो फिर कहेंगे के वापिस मेरा गुलाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोजे को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोजे को। जनाबे ज़हरा का सदका, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह। बात बिगड़ी इसी चौखट पे बनी देखी है, झोली मंगतों किसी दर से भरी देखी है, उस वक्त से नियाजी मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जब से सरकार मदीना की गली देखी है। नाज़रीन किराम मदीना पाक से सदा तो आती है, हुजूर करम तो फरमाते हैं, क्योंकि आज का जो मौजू है उसे भी साथ रखूं तो मुख्तसर सी बात यही करूंगा। नबी सलाम की बारगाह में एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जिस तरह दुनिया में आपके करीब करीब रहते हैं पास पास रहते हैं, जन्नत में भी आपके करीब रहना चाहते हैं। करीम अकाली सलात वसलाम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया में रह के जितना ज्यादा मेरी जात पे दुरूद पाक पड़ेगा दुनिया और आखिरत में उतना ही मेरे करीब हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम देखिए, सरकार दो आलम अली सलातुस्सलाम दुरूद पाक के जरिया से अपने गुलामों पे कर्म फरमाते हैं, अता फरमाते हैं, सखा फरमाते हैं। नाज़रीन किराम बस मदीना पाक जाएं, सरकार दो आलम अली सलातुस्सलाम हमें ढब तरीका करीना अता कर दें तो फिर इंशाल्लाह बात जो बिगड़ी है वो बन जाएगी। नाज़रीन किराम मंगते बिछा रहे हैं, करीने से झोलियां सिराब कर रहे हैं, खजीने से झोलियां सिराब कर रहे हैं, खजीने से झोलियां नासर दरे करीम के मंगतों की खैर हो, भर भर के ला रहे हैं मदीने से झोलियां, भर भर के ला रहे हैं मदीने से झोलियां। उसी दरगाह से एक शहजादे को बेपना खैरात मिली, उस खैरात के तवसुल से अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, खूबसूरत आवाज अंदाज लबो लहजा मोहतरम मोहम्मद नबील कादरी से हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह आप सरकार दो आलम की बारगाह में अपना मुंतखब और सिलेक्टेड कलाम पेश करने की साजत हासिल करें। आप सा दोनों जहां में नजर आया नजर आया ही नहीं,
आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले ही बल्ले बल्ले। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और रिजवान भाई इस कलाम का मक्ता, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, खूबसूरत कलाम पेश करने की साथ हासिल कर रहे थे मोहतरम मोहम्मद नबील कादरी साहब। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन इसी मौजू की तमासल से एक बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, देखिए रमजान मुबारक की ये रहमतें, ये घड़ियां खालिक कायनात की जो करम नवाजियां हैं, साए फिगन है, हम पे रहमतें बरसा रही है। नाज़रीन किराम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका आप हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, सरकारे दो आलम ने फरमाया, जिब्रील तुमने आदम को देखा है? अर्ज की या रसूल्ला देखा है। शीश को देखा है? देखा है। नूह अलैहिस्सलाम को देखा है? देखा है। ईसा, मूसा, इदरीस अलैहिस्सलाम, अर्ज करते हैं या रसूल्ला मैंने हर चीज को देखा है। हजूर ने फरमाया जन्नत को भी देखा है? अर्ज की या रसूल्ला मैंने पूरी कायनात को देखा है, दोनों जहानों को देखा है। हजूर ने फरमाया जिब्रील बताओ फिर हम कैसे हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह आप साथ दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। ये तो अर्श वालों ने कहा। फर्श पे गुलाम हजूर अलैहिस्सलाम के हजरत हसन बिन साबित ने कहा, व अहसनु मिन कलम तरकत अईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता बर्रा मिन कुल यईबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आज तक आप जैसा सीनो जमील देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह देखें तो कैसे देखें, किसी माँ ने आज तक आप जैसा सीनो जमील जना ही नहीं।
अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया और या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको आपकी मंशा के मुताबिक पैदा फरमाया है। तो नाज़रीन किराम ये सरकारे दो आलम की करम नवाजियां हैं। देखिए अर्श वाले फर्श वाले एक ही काम करते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हो मिकाईल अलैहिस्सलाम हो तमाम फरिश्ते एक ही काम करते हैं, वो काम है ज़ात मुस्तफ़ा पे दुरूद पाक पढ़ना। इंशाल्लाह ये मौजू हमारा जारी सारी रहेगा। अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं एक वक्फे के बाद।